दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे अंबाती रायडू की। अंबाती रायडू ने जिस प्रकार से हाल ही में परफॉर्म करके दिखाया है, ऐसे में उनकी वापसी होना टीम इंडिया में बेहद जरूरी है। और आईपीएल 2018 में पूरे सीजन लगातार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इन्हें टीम में तो लिया गया, लेकिन योयो टेस्ट में फेल होने के कारण इन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। तो वहीं योयो टेस्ट में फेल होने की बात आई रोहित शर्मा की, तो यहाँ पर योयो टेस्ट के जो नियम हैं उनमें ही बदलाव कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अंबाती रायडू नाखुश जरूर हैं योयो टेस्ट के इन नियम से, लेकिन इसके बावजूद भी योयो टेस्ट के लिए इन्होंने अच्छी बातें कही हैं। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में खेले गए 5वें वनडे मैच में भारत ए ने 5 विकेट से जीत दर्ज की है। इंडिया ए की इस जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और बल्लेबाज अंबाती रायडू की अहम भूमिका है। सिराज ने जहां 68 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं अंबाती रायडू ने ताबड़तोड़ नाबाद 62 रनों की पारी खेली और जिसके चलते भारत को जीत हासिल हुई है। भारत की ओर से अंबाती रायडू ने शानदार परफॉर्म किया है, तो वहीं कृणाल पांड्या ने भी 66 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 49 रन बनाए हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 11 और नीतीश राणा ने 11 नाबाद रन बनाए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं अंबाती रायडू, ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि सेलेक्टर्स टीम इंडिया की इस टेस्ट क्रिकेट टीम में अंबाती रायडू को जगह देते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से आपकी क्या ओपिनियन है, अंबाती रायडू को क्या टेस्ट मैच में अभी जगह देनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।